एफआईआर तो हो ही गया है क्योंकि इन्होंने भोपालियों को समलैंगिक कह दिया था। इसके अलावा जब हमने पता किया कि इनके क्या शौक है तो इनके ही ट्विटर से पता चल गया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, गांधी को ये अगली लिख रहे हैं जिन्ना को हॉट। बताइए, जिन्ना इनको हॉट लगते थे, गांधी इनको पागल लिखते थे, तो जिन्ना के साथ इनका कौन सा संबंध है भाई? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। जब से हाई कोर्ट का ये मतलब आया है फैसला कि कोई हंसता हुआ अगर कुछ बोल दे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता है, और स्माइल करते हुए है बोला है, तो फिर वो क्राइम कहाँ है? उसके बाद ये तस्वीर आसाराम बापू ने कोर्ट को भेजकर, ये तस्वीर को भेजकर रिहाई की अपील की है। चलिए थोड़ा सा घूम के मेन मुद्दे पे आते हैं। द कश्मीर फाइल्स के मुताबिक और उसके जरिए जो सरकारी आतंक फैलाया गया मुसलमानों के खिलाफ, राष्ट्र घृणा फैला दी गई है, उसका रिजल्ट अब गांव-गांव से भी देखने को मिल गया। आपकी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें दिखा रहा हूं एक साथ टाइम बचाने के लिए। क्या लिखा है? मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश निषेध है, आज्ञा से समस्त ग्रामवासी पेमलपुर। आगे देखिए तीसरे फोटो में, थोड़ा जूम कर देते हैं, कटमुल्लों का आना वर्जित है। तीसरा फोटो देखिए, व्यापार के लिए इस गांव में मुसलमानों का आना प्रतिबंधित है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको करोनोलॉजी समझाऊंगा। स्क्रीन पर देखिए न्यूज की कटआउट, एक महिला जिसकी उम्र 25 साल बताई गई, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम है कुथुमा शेख, 25 साल की हैं, मुधोल में रहने वाली हैं। आपको बता दूं इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे पाकिस्तान रिपब्लिक डे के लिए मे गॉड ब्लेस एवरी नेशन विद पीस यूनिटी एंड हारमोनी, मतलब सभी दुनिया में देश हैं खुशी और प्यार से रहें और यूनिटी सबके अंदर बरकरार रहे, सिर्फ इतनी बात। अरुण कुमार नाम का एक एक्टिविस्ट है, उसने इनके स्टेटस को देखा और कंप्लेन कर दिया और फटाक से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोचिए लिखा क्या था, पाकिस्तान की तारीफ नहीं, वो दुआ दी थी, सब दुनिया को दुआ दी थी। लेकिन ये देखिए ट्वीट मोदी जी का, ये सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान के पीएम मिस्टर नवाज शरीफ को हाँ ग्रीटिंग भी दे सकते हैं, उनको विश भी कर सकते हैं, नेशनल और नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान पर इन्होंने किया था। अगला भी देख लीजिए, ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑन देयर नेशनल डे, वहां के पीएम को भी डायरेक्ट विश किया मोदी जी ने। इसके अलावा आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि मोदी जी ने वहां के पाकिस्तानी लोगों को भी विश किया। अब कितना फर्क है, एक लड़की ने स्टेटस लगाया, खैर हमारी टीम लगातार इस पर काम करती रहेगी और लगातार आपके सामने हम खबर ऐसे ही लाते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चाहिए